फाइनली गाइस क्राफ्टन के सीईओ इंडिया में आए हैं स्पेशली गवर्नमेंट से मीटिंग के लिए। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केशव गेमर। और आज की वीडियो में यार काफी अच्छी न्यूज निकल के आई है मेरे पास, बहुत ही यूनिक न्यूज है बीजेएमएम से रिलेटेड। एंड भाई साहब, मैं आपको 2.6 अपडेट से रिलेटेड फीचर्स दिखाने जा रहा हूँ। एंड भाई साहब, कितने तगड़े तगड़े मोड्स हैं, सारी की सारी चीजें दिखाने जा रहा हूँ। बस इस वीडियो का मैं 2000 लाइक कर दो, मुझे नहीं पता आज की वीडियो में, कमेंट करके बताना आपको ये फीचर अच्छे लगे नहीं लगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली न्यूज की अगर हम बात करें तो अनुज टंडन, जो आपको पता होगा कि यार हेड ऑफ कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है क्राफ्टन में, तो अभी क्राफ्टन के जो सीईओ थे आपको पता होगा हाईसोन, पता होगा इनका नाम आपको पता ही होगा, तो ये इंडिया में मीटिंग के लिए आए थे। तो अनुज टंडन ने 4 दिन पहले एक पोस्ट डाला था, लिटरली इसे मैंने जब तक कवर नहीं किया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आज मैं इसे कवर कर रहा हूँ। तो जैसे देख पा रहे फैमिली फेसेज एंड फैमिली टीम ऑलवेज प्लेजर टू कैच अप विद एट द रेट हाईसोन, एंड उसके बाद दो मेंबर्स ओनली मीटिंग अदर्स। तो यहां पे लिख रहा है मेन हाईलाइट अपडो स्टिल डूइंग सम ग्रेट वर्क द क्राफ्टन टीम इन इंडिया। भाई ये आप लाइन दोबारा पढ़ रहे हो ना, स्टिल डूइंग सम ग्रेट वर्क फॉर क्राफ्टन टीम इन इंडिया, मतलब अभी भी क्राफ्टन टीम इंडिया में काफी अच्छी वर्क कर रही है जैसे उन्होंने इसमें बताया। एंड यहां पर देख पा रहे हो क्राफ्टन के सीईओ ने अपना उनके साथ पोस्ट डाल रखी है, और यहाँ पे क्राफ्टन का रूम है देख पा रहे हो, मतलब ऑफिस है। एंड यहाँ पे क्राफ्टन के सीईओ हो गए जैसे देख पा रहे हो इस क्लिप में। तो भाई साहब लिटरली इस वक्त गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई है क्राफ्टन की, जैसे देख पा रहे हो। एंड ये एक पूरा आर्टिकल क्राफ्टन के लिंकेड पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने 30% टैक्स स्लैब के बारे में बात की, गूगल प्ले के बारे में, एंड गवर्नमेंट से मीटिंग करी है, एंड और भी चीज़ों के बारे में बात की। पर इसमें आप ये रोक के पढ़ सकते हो कुछ, अगर मैं आपको पर पॉइंट बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो आपको मैं शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करता तो उसमें उन्होंने यही बात की कि भाई हम इकोसिस्टम कैसे बना सकते हैं गेमिंग का। एंड बीजेएमआई को इन्होंने इस चीज़ पर हटा दिया, इसमें इस बात पर उन्होंने बीजेएमआई के बारे में बात नहीं की इस मीटिंग में। बीजेएमआई के बारे में इन्होंने इसलिए बात नहीं क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने मना किया है कि जब तक सब चीज़ फिक्स नहीं हो जाती उससे पहले आपको बिल्कुल ओपन में बात नहीं करनी है। तो ये अभी बात हुई है गवर्नमेंट के साथ क्राफ्टन की। एंड तो अब भाई अगली न्यूज पे बढ़ने से पहले अभी मैं आपको 2.6 अपडेट जो आएगा हमारा अगला, उसके फीचर्स एंड अगली तगड़ी तगड़ी चीजें दिखा रहा था, उसके बाद अगली न्यूज पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गाइस अगले अपडेट की लीक्स और क्रेडिट्स लकी मैन को जाता है, इनका चैनल जरूर चेकआउट करना। सो दोस्तों अगर अगले अपडेट की लोबी की बात करें तो देख पा रहे हो डायनो आइलैंड टीम देख पा रहे हो, कुछ इस टाइप की लोबी हमें देखने को मिलेगी। अब ये नहीं पता ये कुछ इसके लिए पॉपुलरिटी वगैरह के बैटल होगा या फ्री में मिलेगी, लेट सी फ्री में मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया बात होगी। और वहीं पर यार अगर हम रॉयल पास की बात करें तो A1 जो सीरीज आने वाली है उसका नाम आपको बता देता हूं, रॉयल पास S1 होने वाला है। तो इसमें आपको एक यूनिक चीज पता है क्या देखने को मिलेगी, ये 2 महीने की 100 RP की रैंक तो होगी पर इसमें हाफ हाफ होएगा, मतलब 50-360 UC आपको पहले दे सकते हो, उसके बाद 360 UC दे सकते हो। एंड वहीं पर अगले अपडेट में एक बड़ा मस्त फीचर आने वाला है जिसमें एक ऐसा अटैचमेंट मिलेगा, जब हमें वो मिल जाएगा तो किसी भी हम सिंगल जो गोली चलने वाली गन है जैसे M16 सिंगल पे चलती है आपको पता है, तो हम उसे ऑटो बना सकते हैं उस अटैचमेंट की वजह से। भाई मतलब अटैचमेंट इतना खतरनाक, भाई लिटरली मजा आ जाएगा। एंड दूसरा चीज देख पा रहे हो कि डायनो थीम होने वाली है पूरे रैंकल में, जैसे आपको पता है भाई ये हमारा फेरो पनते वाला है ये मोड है, ये साला इससे छुटकारा में देखने को फाइनली मिल जाएगा जहां तक मुझे लगता है 50% चांस है अपडेट आने के बीजेएमआई में, देखते ये मई में अपडेट आता है नहीं। एंड देख पा रहे हो कुछ इस टाइप की POI लोकेशन होगी, जैसे देख पा रहे हो हॉट ड्रॉप हमारा इतना तगड़ा होने वाला है भाई ड्रैगन वाला जैसे देख पा रहे होगे। एंड यहाँ पर एक हमें देख पा रहे हो जब हम इसे बॉल को फोड़ते हैं जैसे देख पा रहे होगे तो यहाँ से डायनासोर निकले करेगा जैसे देख पा रहे होगे, एंड इसे हम अपनी सवारी बना पाएंगे जो कि इस अपडेट की यूनिक चीज होगी। जैसे देख पा रहे होगे डायनासोर को भाई हमने सवारी बना दिया, जैसे फेरो में आपको पता है सबसे ऊपर टावर पर जाते हैं तो मम्मी निकल के आती है, ऐसे इसमें डायनासोर आएगा भाई लिटरली। एंड ये दहाड़ के भी बुलाएगा बंदों को अगर हम बुलाना चाहें तो, क्योंकि काफी मस्त चीज होने वाली है भाई, ये लिटरली मस्त होने जा रहा है। एंड AMR की भी यार अपग्रेडेबल स्किन आ गई, लिटरली सब चीजों की यार अपग्रेडेबल देते जा रहे हैं भाई साहब, लिटरली इन्होंने बदमाशी कर दी है। और वहीं पर हमें एक जैसे छोटी छोटी लोकेशन में डायनासोर देखने को मिलेंगे जिसे हम चला सकते, देख पा रहे होगे डायनासोर भाई साहब हम गेम में चला पाएंगे लिटरली, काफी मजेदार मोड होने जा रहा है, जैसे गोडजिला का मोड था ऐसे डायनासोर का मोड होने जा रहा है। और वहीं पर देख पा रहे होगे कि यार इसके बाद एक सबसे मस्त चीज आपको बताता हूं, मैशिट जो होती है तलवार उसकी भी अपग्रेडेबल स्किन आने वाली है भाई साहब, लिटरली तलवार की भी अपग्रेडेबल स्किन देख पा रहे होगे, उसका किल मैसेज कैसा लगा यार। इस वीडियो पर 2000 लाइक कर दो, क्या
कर रहे हो, दबा दो लाइक का बटन, मुझे नहीं पता। एंड डायनासोर की भी देख पा रहे हो अपग्रेडेबल स्किन आने वाली है भाई साहब लिटरली, जो कि काफी मस्त होने जा रही है दोस्तों। जैसे देख पा रहे होगे हमें यार, देख पा रहे होगे यहाँ पर ये उड़ने वाले डायनासोर भी मिलेंगे भाई, मतलब हम डायनासोर को उड़ा भी पाएंगे भाई। ये तो बड़ा मस्त सीन हो गया भाई, अब आसमान में भाई बंदे को गिराना बहुत ही हार्ड हो जाएगा डायनासोर को गिराना, क्योंकि भाई आपको काफी पता ही है भाई डायनासोर देख पा रहे हो कितना तेज भाग रहा है ये वाला। एंड देख पा रहे इसमें एक बूस्ट भी है भाई, लिटरली काफी मस्त होने जा रहा है ये अपडेट। देखने का कौन कौन एक्साइटेड यार इस अपडेट के लिए कमेंट से बता यार, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ यार। एंड भाई साहब इसमें पता है एक मस्त चीज क्या है, अगर आपने किसी बंदे को कोई खड़ा से ध्यान नहीं दिया तो आप उसे आसमान में उठा के ट्रोल कर सकते हो, लाइक पीगी बैक पैक वाला फीचर था ऐसी भी आप किसी बंदे को उठा के ट्रोल कर सकते हो अगर वो आपको मार नहीं पाया भाई साहब, जो कि काफी मस्त चीज है भाई साहब। देख पा रहे होगे कितना तेज ये डायनासोर चलता है भाई साहब लिटरली। एंड आप पता है एक पता मस्त फीचर आने वाला है, डायनासोर के बच्चे भी बना सकते हो भाई, अंडे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फैलकन वाला सिस्टम होता है ना कंपेनियन वाला, ऐसी सिस्टम देखने को मिलेगा दोस्तों। अब भाई साहब ये देख पा रहे होगे एक सबसे तगड़ा फीचर जो गेम आने जा रहा है कैमरा वाला सिस्टम आने वाला है, लेकिन नहीं है भाई देख पा रहे होगे कैमरे वाले सिस्टम में भाई ये जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूबर्स उनके लिए काफी मस्त होने जा रहा है दोस्तों। एंड भाई साहब एक मैशेट देख पा रहे हो क्या, जब आसमान से आप लैंड होगे तो आपके हाथ में मैशेट देखने को मिलेगी। एंड सबसे तगड़ी चीज भाई मिथिक फैशन का भाई साहब एक नया वो मिलने जा रहा है, क्या बोले अवतार फ्रेम, लिटरली तो बहुत ही बड़ी बात है भाई, 300 मिथिक पे पहले मिलता था, शायद इस बार 1000 मिथिक करेगा जब जाकर उसे मिलेगा भाई साहब, जो कि काफी बड़ी बात है। डायनासोर के भाई क्या बोलते थीम बेस आने वाला है, इसे नेम पैक भी आने वाला है। एंड भाई अगला जो कोलैब होने जा रहा है वो डुकाटी के साथ हो रहा है पबजी मोबाइल में, तो मतलब पबजी मोबाइल में डुकाटी की स्किन देखने को मिलेगी। अब ये पता नहीं यार ये देख पा रहे हो जैसे लीक्स निकल के आई हैं, दो तो तीन स्किन आ रही है छोटा मोटा कोलैब, शायद ये फ्री में भी स्किन मिल सकती है डुकाटी की या रॉयल पास में भी आ सकती है। अब देख पा रहे हो डुकाटी की स्किन कुछ इस टाइप की रॉयल पास में स्किन होती है जो कि देखने को आपको मिल रही होगी। और वहीं पर मैं आपको बताऊं भाई सबसे बेस्ट फीचर अगले अपडेट का, आप अपनी रॉयल पास की जो स्किन्स वगैरह रहोगी ना अपने मन पसंद के कलर कर सकते हो भाई साहब लिटरली। अब ये पता नहीं फ्री का सिस्टम रहेगा या यूसी का सिस्टम रहेगा, पर आप अपनी ड्रेस को कलर कर पाओगे भाई लिटरली, तो बहुत तगड़ी चीज होने जा रही है जो कि काफी मस्त होने जा रही है यार। जो मन चाहे हम वो ड्रेस कर सकते हैं, अब यूनिक भी हो जाएगी इससे, तो बंदों के पास जैसे एक जैसी सेम ड्रेस रहती है ना, तो हम ये यूनिक ड्रेस मिल जाए करे। कमेंट से बताओ इस फीचर के लिए कौन कौन रेडी है, कौन कौन एक्साइटेड है इस अपडेट के लिए कमेंट सेक्शन में प्लीज यार स्पैम कर दो, मुझे नहीं पता दोस्तों कर दो जल्दी से। एंड भाई देख पा रहे कि बाइसिकल की स्किन, इसकी स्किन, डायनासोर की भी स्किन भाई लिटरली, इन्होंने गेम वाले ने बवाल ही मचा दिया। कैसी लगी ये लीक्स कमेंट्स बता देना दोस्तों। और वहीं पर अगले अब बीजेएम अनबैन से रिलेटेड अपडेट की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि अभी क्राफ्टर के सीईओ का ये वाला जो ट्वीट है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें अगर मैं आपको छोटे अक्षरों में बताऊँ मतलब स्मॉल क्या लिख रहा है तो ये बताऊँ, तो ये लिख रहा है कि 29 तारीख को गेम बैन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली पूरी फेक न्यूज़ है। अगर हम क्राफ्टर के सीईओ के भाई ट्विटर जाते तो ऐसे हमें कहीं भी पोस्ट देखने को नहीं मिलता है, तो ये एडिट करना कोई छोटा सा खेल है, कोई भी एडिट कर सकता है भाई, थंबनेल वाले आराम से एडिट कर देते हैं भाई, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सो आपको समझ आएगा क्योंकि आज की अपडेट क्या क्या थे, एंड मैंने सारे बीजीएम से रिलेटेड अपडेट दे दिए हैं। आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में बताना, मिलते हमने अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, प्लीज सपोर्ट करना।